जी हाँ, ये है बाल मंडल की सवारी, जिसमें प्रदर्शित होंगी बाल मंडल में प्रत्येक बालक को सिखाए जाने वाले पांच गुणों की अद्भुत कहानी, जिन पांच गुणों को बाल मंडल के स्थापक ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और बाल मंडल के पोषक प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रमाणित किए हैं। यहाँ हर बालक में संस्कारों का सिंचन होता है, प्रत्येक बाल पुष्प यहाँ संपूर्ण विकसित होता है। जी हाँ, BAPS बाल मंडल है संस्कारों का दिव्य वन। जी हाँ, व्यायाम और योगासन की शिक्षा से तथा शाकाहार के प्रशिक्षण से यहाँ हर एक बालक तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, जिससे तंदुरुस्त तन के साथ स्वस्थ मन भी उसके जीवन की प्रगति का आधार बनता है।
यहाँ हर बालक अपना लक्ष्य बनाता है विद्याभ्यास में तेजस्वी बनने का। जी हाँ, BAPS बालमंडल एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका ध्येय है चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण। प्रार्थना और सत्संग से यहाँ हर एक बालक अपनी आत्मा को बलवान बनाता है और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझ पाता है। यहाँ हर एक बालक वारिस बनता है भव्य भारतीय संस्कृति का। यहाँ उसे महान अवतारों, ऋषि मुनियों, संतों एवं आचार्यों की पवित्र राह दिखाई जाती है और संस्कृति के आधार स्वरूप मंदिर, शास्त्र और संत के प्रति श्रद्धा सुदृढ़ कराई जाती है। संस्कृति की अस्मिता के साथ यहाँ हर एक मासूम के हृदय में एक स्वप्न बोया जाता है भव्य भारत देश के आदर्श नागरिक बनने का। मंदिरम मन हृदय शांतिदं कला परंपरा सुपोषितम् शास्त्रम् सदाचार धर्म प्रसारकम् कर्तव्य मार्गदर्शकम्
संतः आत्म परमात्म ज्ञानदः मंदिर शास्त्र सर्जकः जय हो प्रमुख स्वामिन् भारत संस्कृति रक्षका जय हो प्रमुख स्वामिन् भारत संस्कृति रक्षका जय हो प्रमुख स्वामिन् भारत संस्कृति रक्षका स्वामी नारायण।